पर रख दूं, 25 गो मिट्टी का खरगोश बना के खरगोश के कलर में पेंट करके किसी झाड़ी में छुपा दूं, इधर से कुत्ता को इंडिकेट करूँ कि कुत्ता मिट्टी के बने हुए खरगोश को कैच करो, तो मिट्टी के खड़ा को कुत्ता कैच करेगा? बिल्कुल नहीं। मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैच करेगी? बिल्कुल नहीं। जब मिट्टी के चूहा को बिल्ली नहीं कैच कर रही है, मिट्टी के खरगोश को कुत्ता कैच नहीं कर रहा है, लेकिन हम मानो माटी के हनुमान शिव शंकर दुर्गा पार्वती गणेश बना के पेंट पोचारा करके लंगावटा साया साड़ी ब्लाउज पहना के हम कर जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं कि हे हनुमान जी, हे दुर्गा जी, हम पर कृपा करो, तो हनुमान के पास बैंक बैलेंस है कि 10-20 हजार से कृपा कर देगा? वो माटी के दुर्गा के पास लैंड प्रॉपर्टी है कि पटना में 2-4 कच्चा रजिस्ट्री जमीन का कर देगा? इसका मतलब हम मानव असल नकल के पहचान करने में कुत्ता बिलाई से भी बदतर हैं। साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं व्यवहार में, लेकिन ज्ञान के अभाव में हम रियलिटी पर नहीं पहुंच पाते हैं। जब यह दर्शन है कि ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती, ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती, उभर खाभर रोड रास्ता अच्छी गति प्रदान नहीं कर सकती, तो जिस समाज में ऊंच नीच छुआछूत के भेदभाव रखने वाले लोग क्या समाज राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं? ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा हथियार शराब और वरदान ऐसे क्यों हो गया तो फलाना ऋषि का शराब था, ऐसे क्यों हो गया तो फलाना ऋषि का वरदान था। शराब और वरदान में पूरा 90% बैकवर्ड आकंठ डूबा हुआ। मैं पूछता हूं, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जो कौम अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानता, वो कौम अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। एक्चुअली मार्क्स ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर, मार्क्स ने कहा है कि मार्क्स टोल्ड दैट रिवॉल्यूशन इंजिन ऑफ हिस्ट्री, क्रांतियां इतिहास की इंजन होती है। भारतीय परिवेश को समझा, यहां 3 बीमारी थी और बीमारी के पहले डॉक्टर दवा का इन्वेंशन नहीं करता, बीमारी के बाद दवा बनती है। भारत में 3 बीमारी है जिसका नब्ज पहचानने का काम ज्योतिबा फुले, पैरिया रामा स्वामी नायकर, बाबा साहब अम्बेडकर और जगदेव प्रसाद ने किया। और जर्मनी में, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन में 2 बीमारी थी, और पूंजीवादी और सामंती व्यवस्था, यहाँ जातीय व्यवस्था भी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था भी है। इसलिए यहाँ का मार्क्सवाद बाबा साहब अम्बेडकर, लेनिन, जगदेव प्रसाद। तो मैं पूछता हूँ कि जब ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती, उसी तरह से इतिहास जानो, 712 ईस्वी में अरब के मुहम्मद, ब्राह्मणवाद का यही तकाजा है, यही बहुत बड़ा कि शिव के त्रिशूल से बचवा, विष्णु के चक्र से बचवा, इंद्र के वज्र से बचवा, जौम के दंड से बचवा, लेकिन पंडित जी के शराब से न बचवा। चंद्रलोक पर भी चले जाओगे, धह धह लकड़ी लेखन जड़ जाओगे। तो 712 इतिहास देखो, 712 ईस्वी में अरब के मुहम्मद बिन कासिम 6000 पलटन लेके सिंध के दाही राजा पर हमला बोल दिया। दाही राजा की 60000 पलटन धूल चाट के हार गई। 1026 में मौत गजनी 30000 फौज लेके पंजाब, राजस्थान होता गुजरात पहुंचा, वहां ब्राह्मणवाद के प्रबल दूत सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया। 3 लाख क्षत्रिय सेना हार गए। हिस्ट्री में पढ़ा था सभी देवी देवता सोने चांदी के थे, 80 गो खच्चर गधा हाथी पर गजनी सभी शिव शंकर दुर्गा पार्वती को सोने चांदी को ढाह के मार मुगदर के कचुमर निकाल के ले गया अफगान। फिर 1193 में गोरी के 12000 फौज के सामने पृथ्वीराज चौहान की 80000 फौज धूल चाट के हार गई। सभी मंदिरों को ढा दिया, देवी देवता कबाड़ के ले गया। फिर पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में त्राइन के युद्ध में बाबर के 12000 फौज के सामने राणा संगा की 60000 फौज धूल चाट के हार गई। तो एक तरफ कहते हो कि शिव के त्रिशूल, विष्णु के चक्र, इंद्र के वज्र, जम के दंड से बचोगे, पंडित के शराब से न बचोगे, तो 712 में हार गए, 1026 में हार गए, 1193 में हार गए, 1526 में हार गए, देश गुलाम हो गया, देवी देवता लूट गई, बहु बेटी लूट गई, मार के गजरा मुल्ली की तरह काट दिया गजनी, और किसी को सरापना नहीं था कि गजनी गोरी को अंग्रेज को सराप देता तो बॉर्डर के वही पर लकड़ी लेखन धह धह जड़ जाता।
तो ये शराब किसके लिए? ये तो कोयरी कुम्हार का अनुकलवार तो यहाँ मुल्हर फसौले बारी गुह गोबर खिया के अब पेशाब पिला के यही हमारा दही चूड़ा खिलाएगा, यही दान दक्षिणा देगा। चलो उससे तक शराब। मैं पूछता हूँ कि इसमें इस रास्ते से बिजली की तार गई है, इसमें करंट प्रवाहित हो तो उसको तार को छुएगा आज तो करंट आज मारेगा कि 6 महीना के बाद मारेगा? तो जब सोमनाथ के मंदिर में सोने चांदी के देवी देवता गजनी के बाल नहीं टेढ़ कर सका तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान मेरा पैना बिगाड़ क्या देगा? और यहाँ के मूल वासियों का एक ही उपाय है जो मिश्राम साहब का तो सुने ही और सुनेंगे। जिस स्थिति में आर्यों के पोजीशन में है, आर्य जिस पोजीशन में है, सिर्फ वही पोजीशन जो पोजीशन सर्प और चूहा का है। सर्प जाता है चूहे के बनाया हुआ घोंसला में, घर में, बिल में प्रवेश करता है और घरवैया को, उसके बाल बच्चा को भी खा जाता है, उसके उसको भी खा जाता है और घर वो दखल कर लेता है। उसी तरह से यहाँ के आर्य बाहर से आया और यहाँ के मूलवासी घरवैया को खा गया, आज भी खा रहा है, घर वो दखल कर लिया, 90% बैकवर्ड गुलाम बना हुआ। इसको सोचना होगा, समझना होगा, जानना होगा। दुनिया के सारे लोग ब्राह्मणवाद के तिक्रम को समझ गए कि यहाँ के बैकवर्ड मूलवासी अनुसूचित जाति के लोग नहीं समझे। 1945 में हीरो सिंह मां नागासाकी पर परमाणु बम गिरा तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल का हृदय पिघल गया कि हिरोशिमा में जापान में लाखों आदमी के निधन पर। तो इंटरनेशनल कमेंट किया चर्चिल और कहा कि हम अमेरिका को समझदार समझते थे लेकिन अमेरिका समझदार नहीं निकला। किसी राष्ट्र को बर्बाद करना था तो परमाणु बम कहे लगी गिराया, भारत से 4 गो ब्राह्मण लेकर जापान में बसा देता, उसका सर्वनाश कर देता। तो चार ब्राह्मण किसी राष्ट्र को बर्बाद कर सकता है और जिस देश में घोरे घोरे ब्राह्मण बसा, गुआरा पछुआरा ब्राह्मण मरवा गाड़ के छोड़ जात, सत्यनारायण झूठ नारायण अंगना में बोला करके अपन कार्य को संपादित करता है, उस देश के बैकवर्ड को कभी कल्याण होने वाला है, पिछड़ा का कल्याण होने वाला है? जब 1919 में ब्रिटिश सरकार अधिनियम 7 के तहत ब्राह्मणों को जज बनने पर प्रतिबंध लगा दिया और ये कहा कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है, तो ब्राह्मण के सारे तिक्रम को अंग्रेज मुगल समझ गए लेकिन यहाँ के मां आज तक मूलवासी नहीं समझे हैं, जिसका नतीजा 90% 85% होने के बाद भी 10% सवर्ण आर्यों का हम चमचागिरी कर रहे हैं। साथियों, भारत माता, अरे जब भारत माता कहते हो, यहाँ का लालू प्रसाद नीतीश मुलायम के मीटिंग में भी जय भारत माता की जय, सब समय समझना चाहिए। भारत माता अगर हो तो दुनिया के जितने भी देश हैं सब देश के नागरिकों को अपने अपने देश को माता का संज्ञा देना चाहिए। भारत माता अगर कहते हैं तो पिता भी कहीं छुपा हुआ होगा, बाबुओं जी कहीं हुई है।